आज कुछ सुझाव मैं दूंगा। अभी देश भर में ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, एजिटेशन हो रहे हैं और लोग जम करके अपना कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये समारोह, सभाएं, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन एक न एक दिन समाज को थका देंगे। आप जिंदगी भर यही करते रहेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो इवेंट को इंस्टीट्यूशन में बदलने का काम शुरू करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम करना पड़ेगा। और जब मैं 2 साल पहले आया तब भी मैंने निवेदन किया और मैं मारवाड़ मेघवाल समाज की तमाम शाखाओं से अनुरोध कर रहा हूं कि जो इवेंट चल रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, आप सब लोगों को बहुत बधाई, लेकिन केवल ये इवेंट बनकर के नहीं रहे, ये समारोह बनकर नहीं रहे, इन समारोहों को आगे ले जाना है, इन संस्थाओं को संस्थानों में तब्दील करना है। हमारे समाज में जब तक सांस्थानिक काम नहीं होंगे तब तक मुझे लगता है कि स्थायी चीज नहीं होगी। तो क्या मारवाड़ मेघवाल समाज एक बड़ा बोर्डिंग लॉजिंग कॉलेज खोलने के बारे में सोचता है? क्या आप सब लोग मिलकर के यहां पर पाली जिले में एक ऐसा बड़ा संस्थान बनाएं जहां पर हमारे बेटे बेटी पढ़े लिखे, वहीं रहें और वहीं से वो आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार, जो भी बनना चाहें वो बनकर के निकले। ऐसा इंस्टीट्यूट स्थापित करने की दिशा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूशंस निर्मित नहीं होंगे तब तक ये सारी चीजें तात्कालिक है, ये क्षणिक रहेगी, ये शाश्वत नहीं बन सकती। तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ समाज को ले जाने की दिशा में कहीं कहीं हमको काम शुरू करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे खास तौर पे युवा दोस्तों को कहना चाहता हूं, मित्रों जीवन उतना ही है, सबके पास उतने ही घंटे हैं जिसमें सोना पड़ता है, जिसमें चलना पड़ता है, खाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, अपना काम भी करना पड़ता है और मिशन का काम भी करना पड़ता है। तो जो थोड़ा सा जिंदगी में वक्त है उस समय के एक एक क्षण का सदुपयोग बाबा साहब अंबेडकर के कारवां को आगे ले जाने की दिशा में करना है, तो मुझे लगता है कि हमको कई मामलों में आत्मनियंत्रण रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमको दिशा कौन सी लेनी है। मैं अक्सर देखता हूं कि हमारी तमाम एनर्जी धर्म ग्रंथों के पुनर्पाठ में बीत रही है, इस ग्रंथ में ये लिखा, उस ग्रंथ में ये लिखा, उस समाज ने ये कहा, इस समाज ने ये कहा। मुझे लगता है कि जो चीजें कचरे में डालने योग्य हैं, अरे डस्टबिन में डालने योग्य चीजों पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? हमारी युवा पीढ़ी क्यों अपनी एनर्जी को नष्ट कर रही है? हमें कतई अपनी एनर्जी को किसी भी प्रकार के वाहियात जो चीजें लिखी गई उस पर नष्ट करने का एक क्षण भी जरूरत नहीं है। केवल समझने की जरूरत है कि ये हमारे काम की चीजें नहीं है, हमारे काम की चीज केवल और केवल भारत का संविधान है, उसके अलावा हमें किसी धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं है, किसी और ग्रंथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रंथ तो सदियों से मौजूद थे, हजारों साल से मौजूद थे, मानव सभ्यता जब से रही तब से कोई न कोई ग्रंथ है, लेकिन उन ग्रंथों ने हमारी मुक्ति नहीं की। जितने भी देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर, ओलिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमको मानते हैं उनको मानव की बराबरी दो, किसी ने नहीं कहा। सारे धर्म ग्रंथ ये तो कहते रहे कि इंसान ईश्वर की नजर में इंसान बराबर है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इंसान इंसान की नजर में बराबर होना चाहिए। परलोक की बातें तो सबने की कि मरने के बाद पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, बेहतर हूरे मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा और पता नहीं क्या मिल जाएगा, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि जीते जी यहां क्या मिल सकता है। तो जो यहां जीते जी यह लोक में आपका उद्धार करने वाला जो डॉक्टर अंबेडकर था और जो भारत का संविधान है, बस उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। घर घर संविधान पहुंचे, संविधान की देशना पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। और केवल संविधान को पहुंचाने से काम नहीं चलेगा, संविधान की भावना को आत्मसात करना भी बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर अंबेडकर ये लिखते हैं संविधान की प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, संविधान खोलिए पहला पेज,
और पहला पेज मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि भारत के संविधान के पहले पृष्ठ में जितनी ताकत है उतनी ताकत उतना मानवीय मूल्य दुनिया की किसी किताब और किसी विचारधारा में नहीं। जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, आप उनको पढ़ेंगे और भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको सार्वभौमिक मानवाधिकारों की जो घोषणा है और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है दोनों बिल्कुल मिलती जुलती रहती है। इतना विशालतम चीज बाबा साहब अंबेडकर ने हमको दी, हमारी विरासत ये चीज है, बाकी चीजें नहीं है। तो मत अपना एनर्जी को नष्ट कीजिए, आज यहाँ पर यह संकल्प करके जाइए कि हम धर्म ग्रंथों के पुनर्पाठ का काम बंद करते हैं, हमको ये काम नहीं करना है, हमें समाज को आगे ले जाना है तो हमको भारत के संविधान के आलोक में ले जाना है। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि हमारे एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में संविधान होना चाहिए और उसको लेकर के हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये देश और हम वो कौम है जो जय भारत के साथ जय जय भीम के साथ जय भारत कहती है। हमें और किसी नारे की जरूरत नहीं है। हम वंदे मातरम न बोले तो न बोले, भारत माता की जय न बोले तो न बोले, लेकिन हम जय भारत के साथ जय भीम बोलते हैं, वही पर्याप्त है हमारे राष्ट्र में। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस राष्ट्र को एक रखने का मैकेनिज्म दिया, वैसा मैकेनिज्म दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप दुनिया भर के लोगों को कहते हैं कि ये राष्ट्र निर्माता है, इन्होंने देश को एक किया, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एक रखने का कीमिया बनाया, वो केमिस्ट्री दी हमको, इससे ये देश 70 साल से एक है। हमारे इर्द गिर्द के कई राष्ट्र फेल्योर राष्ट्र हो गए, विफल राष्ट्र हो गए, लेकिन भारत नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का, डॉक्टर अंबेडकर जैसा विजनरी लीडर भारत की संविधान को बना रहे थे, उनको मालूम था कि संविधान को कैसे आगे ले जाना है। तो संविधान हमारे लिए प्रमुख हो ये बहुत जरूरी है, किसी भी धर्म ग्रंथ की हमें जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखें। दूसरी चीज मुझे लगता है कि हमारा बहुत सारा ध्यान प्रतिक्रियाओं में जा रहा है, रिएक्शनरी वर्क बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत जा रही है। कहीं कोई मर जाता है, हत्या हो रही है, तो पूरा समाज मोर्चरी के बाहर बैठा हुआ है 4 दिन 5 दिन। कहीं किसी ने गाली निकाल दी, फेसबुक पे 2 शब्द लिख दिए, पूरी युवा शक्ति ने अपना काम छोड़ दिया और उसमें लगे। मित्रों इसमें सोचना पड़ेगा, कहीं ये कोई दुष्चक्र तो नहीं है, ये कहीं ऐसा जाल तो नहीं जिसमें हमको कोई फंसा रहा है ताकि हमारी एनर्जी उसी में लगी रहे और दूसरे लोग जो है वो हमसे 200 साल आगे निकल जाए। हमें इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है कि हमारा जो मिशन है वो प्रतिक्रिया में नहीं जाना चाहिए। हम प्रतिक्रियावादी तत्व नहीं है, हमें अपने लिए कुछ गढ़ना है। मुझे कई बार लगता है कि ये जो डे बाई डे की प्रतिक्रिया है, हम केवल आज का सोच रहे हैं कि आज क्या हो सकता है, आज समाज कैसे हो सकता है, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं, समाज के बहुत सारे रहनुमा यहां पर बैठे हैं, हम सब लोगों को यह मिलकर चिंतन करना पड़ेगा कि हमारा जो मेघवाल समाज है, हमारा जो पूरा बहुजन समाज है, जो दलित मूल निवासी समाज है, वो 50 साल बाद कहां होगा, 100 साल बाद कहां होगा, और 500 साल और 1000 साल बाद कहां होगा। क्या उसका कोई चिंतन किया, क्या उसका कोई मनन किया, क्या उसके बारे में कोई योजना बनाई हमने, क्या कोई एजेंडा है हमारा कि हमारा समाज कहां होगा। अगर वो लंबी सोच वाली चीज हमारे पास नहीं है तो मुझे लगता है कि ये जो रोज रोज का काम है, आज गाली दी उन्होंने हमने दे दी, आज उन्होंने कुछ किया हमने वापस कर दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। लंबा सोचिए कि हमारा समुदाय आगे कहां जाएगा, क्योंकि जिनसे हम लड़ रहे हैं, जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग 500 साल पहले की सोच करके आगे बढ़ने वाले समाज हैं। कम से कम उनसे हम प्रेरित ही हो ले और हम सोचें कि हमको हमारे समुदाय को कैसे आगे ले जाना है। क्या जितने भी युवा बैठे हैं हम छोटे छोटे चिंतन शिविर कर सकते हैं अपने अपने इलाके में, जहां हम ये एजेंडा निर्मित करें कि हमारा समाज भविष्य में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक रूप से इन दिशाओं में जाएगा। आपको मैं कहूं
कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया एक छोटा सा दस्तावेज, और उस दस्तावेज ने आधी दुनिया पर राज किया। ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ये भी डॉक्यूमेंट हैं, ये भी दस्तावेज हैं, ये भी राज करते हैं। शास्त्र सदैव राज नहीं करता, शास्त्र राज करता है। और हमारे पर शास्त्रीय गुलामी थोपी हुई है। अगर शास्त्रीय गुलामी से मुक्त होना है तो आपको अपना शास्त्र बनाना पड़ेगा, अपना समाज शास्त्र बनाना पड़ेगा, अपना राजनीतिक शास्त्र बनाना पड़ेगा। और उसके लिए कोई और आने वाला नहीं है, कोई और मसीहा की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को उसमें योगदान देने की जरूरत है कि भविष्य का जो हमारा समाज बनेगा उसको हम कहां ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में हम सब लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। और प्रतिक्रियाओं में जो हमारा जो ऊर्जा नष्ट हो रही है, हमारी जो समय नष्ट हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। मैं अक्सर मेघवाल समाज में, मेघवंशी समाज में जाता हूं, तो वहां ये आध्यात्मिक समाज है, तो वहां बहुत भजन बोलते हैं लोग, और भजनों में रात रात भर बोलते हैं कि जुगा जुगा रिख अगवान हुआ। पता नहीं आपके इधर भी बोलते होंगे, क्योंकि रिखिया समाज कहा जाता है। तो युगों युगों से रिख, यानी युगों युगों से जो मेघवाल था वो अगवान हुआ, अगवान हुआ मतलब नेतृत्व में रहा। वो जो नेतृत्व में रहा युगों युगों से, वो आजकल पिछलग्गू समाज क्यों है? ये सवाल मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो युगों युगों से नेतृत्व में समाज रहा वो आजकल पिछलग्गू समाज क्यों है, आज नेतृत्व में क्यों नहीं है? और वो कौन सा काल था जब आप नेतृत्व में रहे? भारत के संविधान के बावजूद, इतने प्रजातांत्रिक अधिकारों के बावजूद आज हम नेतृत्व में नहीं दिखते हैं। हमें किसी न किसी मसीहा का इंतजार रहता है, किसी न किसी नायक का इंतजार रहता है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर और बुद्धा की उस देशना पर चलिए जहां उन्होंने कहा अत्तो दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, अपने आप से रोशनी लो। किसी मसीहा के इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम मसीहा एक दिन समाज को बेच करके चले जाते हैं। हमारे दिल्ली में बैठे हुए तमाम लोगों ने 35 साल तक इस देश में जो बातें कही, अंत में कोई एक छोटी सी एमएलए सीट के लिए चला गया, कोई एक विधायक की, कोई एक सांसदी के लिए चला गया, कोई एक निगम में पार्षद बनने के लिए चला गया, और पूरे समाज के लिए एक भयानक धोखा साबित हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज को सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है, समाज को एकल नेतृत्व की जरूरत नहीं है। किसी एक व्यक्ति को नेता और नायक मानने की जरूरत नहीं है, मुझे भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति बिक सकता है, व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है, विचारधारा से भ्रष्ट हो सकता है। हमें बाबा साहब, बुद्ध, कबीर, रविदास, फूले, साहू जी महाराज की विचारधारा को ही अपना सब कुछ मानना है, उसी को अपना दीपक मानना है, और उसी के आलोक में हमें आगे चलना है।